निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी ने भी एमसीडी चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद अब उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। पार्टी का दावा है कि वह बड़े पैमाने पर प्रदेश के निकाय चुनावों में जीत दर्ज करेगी, जिसको लेकर मंडल स्तरीय बैठकों का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी की ब्रज प्रांत कार्यकारिणी द्वारा प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर प्रांतीय बैठक शुक्रवार को बुलाई गई। बैठक में पार्टी पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए मंडल स्तरीय एवं प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। ब्रज प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर हृदेश चौधरी द्वारा बैठक में आए कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को संबोधित किया गया। साथ ही निकाय चुनाव में प्रत्याशियों पर भी चिंतन मंथन किया गया। दिल्ली में एमसीडी जीतने के बाद उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव के लिए पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। और जैसा कि भ्रष्टाचार हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा, उसके साथ साथ शहरों की सफाई हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। और आज इन्हीं विषयों को लेकर कि हमारी निकाय चुनाव में आगे क्या तैयारी रहेगी, क्या रणनीति रहेगी, आज ब्रज प्रांत के हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी हैं, उन्हीं के साथ आज हमने यहाँ पर मीटिंग की है, बैठक की है, जिसमें हमारी आगे की सारी गतिविधियाँ की तैयारी हो रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य हमारा मुख्य मुद्दा है और हमारी सभी सरकारें, जो पंजाब की सरकार है, दिल्ली की सरकार है और एमसीडी का हम जो चुनाव जीते हैं, उनमें मुख्य मुद्दा हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य है। जी, ईमानदार प्रत्याशी हमारा होना चाहिए, उस पर कोई आरोप नहीं होना चाहिए। जैसे विभिन्न पार्टियाँ किसी भी आरोपी प्रत्यारोपी को दे देती हैं पार्टियाँ, हमारा बिल्कुल निष्पक्ष रूप से ईमानदार व्यक्ति को पहले हम प्रायोरिटी देंगे। तो बेसिकली हॉस्पिटल्स को लेकर के, स्कूल्स को लेकर के, नगर की साफ सफाई को लेकर, ये हमारे तमाम मेन मुद्दे रहेंगे जो कि दिल्ली एमसीडी में भी एक जीत का प्रमुखता कारण थे। तो यही मुद्दे हमारे उत्तर प्रदेश में रहेंगे। करप्शन सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। फंड्स में कोई कमी नहीं किसी निकाय में। ब्रज प्रांत में 3 नगर निगम है, जिसमें मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद पड़ता है, और तमाम जो है नगर पालिका परिषद हैं, नगर पंचायत भी हैं। तो सब में हमारी स्ट्रेटजी जो है डिफरेंट रहेगी। ब्रज प्रांत कार्यालय पर आयोजित की गई इस बैठक में आगरा, मथुरा, इटावा, मैनपुरी एवं अन्य आसपास के शहरों के पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे, जिन्होंने एक एक कर अपने विचार संगठन के समक्ष रखे, साथ ही चुनाव के लिए बेहतर सुझाव भी दिए। बैठक के दौरान ब्रज प्रांत मीडिया प्रभारी रत्नेश यादव, जिला उपाध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी सिद्धार्थ चतुर्वेदी एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सी न्यूज के लिए अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट।